स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के बारे में गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि अब तक भारत में इससे संक्रमण के 29 मामलों की पुष्टि हुई है. हर्षवर्धन ने इस विषय पर उच्च सदन में दिए अपने बयान में स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 29 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. इनमें केरल के वे 3 लोग भी शामिल हैं जिनमें पिछले महीने इसके संक्रमण की पुष्टि हुई थी और स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दिल्ली में भी 6 मरीजों में पुष्टि हुई है. हर्षवर्धन ने सदन को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा उत्पन्न होने के बाद विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित 12 देशों से आने वाले यात्रियों का ही हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा था.